हेलो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के मेहमान एक आम शहरी एक आजाद उम्मीदवार नासिरान कैसे हैं आप वाल्मीला ठीक ठाक हूँ बिल्कुल ठीक जबरान आपको याद होगा मेरी और आपकी पहली मुलाकात आठ साल पहले तकरीबन, यहीं से कुछ दूर शहबाज वाले प्रेसों पर हुई थी तो आठ साल का जो आपका ये सियासी सफर है इलेक्शन फ्रेशमैन yes. <laughs> <laughs> तो ये जो आठ साल का आपका सियासी सफर है इसको आप कैसे जज करते हैं, कैसे गेज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को तक की? ये एक तालीमी सफर है उसको मैंने हमेशा ही बात की इनफैक्ट जब 2013 के इलेक्शन के बाद मुझसे लोग पूछते थे तो तो बेस्ट एजुकेशन जो आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगी क्योंकि बुनियादी तौर पे इलेक्शन जो है ना वो है अपने इलाके की आवाम से जाके मिलना जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं मिलते उन गलियों में जाना जिनका आपको नाम भी पता नहीं होगा अगर आप सियासी तौर पे एक्टिव नहीं हैं या उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके मसाइल सुनना जिनसे आप पहले आशना नहीं है और उनकी नज़र से उनके मसाइल समझ के वो क्या समझते हैं बेहतर हल है अक्सर लोग जो है ना अपने हल भी आपके पास लेके आते हैं कि सर मेरा मसला यूं हल हो होगा ये काम करवा दीजिए वो कायम हो सकता है जायज़ हो कि ना हो कानूनी हो या ना हो या जो भी हो बट वो उस वक्त क्यों समझ में आ रहा है और उनके लिए क्यों इफेक्टिव है उस चीज़ को भी समझना और फिर देखना कि हम कितनी लेयर्स में रहते हैं और हमारी समाजी अखलाक और कानूनी कदरों में कितना फ़र्क है हमारे अपने हालात की वजह से तो एक बुनियादी तौर पर ये मेरे ख्याल में कोई भी संजीदा सियासी उम्मीदवार इस बात को इनकार नहीं कर सकता है कि एक तालीमी सफ़र होता है एक तालीमी तजुर्बा होता है अच्छा हम देखते हैं हमारे मुल्क में अक्सर जो म्यूजिशियंस होते हैं एक्टर्स होते हैं जब ये कहीं जाते हैं अपने रिश्ते के लिए

मुझे किसी ने नहीं, नहीं कहा सियासत करो मुझे किसी ने नहीं कहा एक्टिविज्म करो और जितना मुझे अच्छे लगते हैं ना वो लोग जो कहते हैं कि भाई मैं इमामत करता हूँ मस्जिद में मगर इसको पेशा नहीं बनाया मेरी नाइन टू फाइव नौकरी कुछ और है मैं बैठे कमा नहीं रहा इसी तरह मेरे ख्याल में जो एक्टिविस्ट है ना ये लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं डेवलपमेंट सेक्टर से डेवलपमेंट सेक्टर एक्टिविज्म नहीं है आप एनजीओ बना के फंड लेके तीन तीन छह महीने के प्रोजेक्ट्स करते हैं आप अच्छा काम करते हैं बट वो एक्टिविज्म नहीं है एक्टिविज्म मैंडेट के साथ नहीं आती एक्टिविज्म एक एहसास के साथ आती है कि ये इनजस्टिस माशरे में उसमें आप ये जरूर कर सकते हैं मुझे इस पे बात करने की इजाजत नहीं है ये मेरे मैंडेट के खिलाफ है तो एक्टिविज्म कोई पेशा नहीं है अगर आप एक जिंदा इंसान है जीते जागते इंसान है तो ये एक्टिविज्म तो भाई आपके दीन के अंदर है हाथ से रोको वरना मुंह से बोल दो वरना दिल में बुरा समझो ये क्या है

उनको अपने मसलों से परेशानी उनको टाइम नहीं मिलता फुर्सत नहीं मिलती वो आवाम को क्या करेंगे पहले आप प्रेस क्लब के सामने खड़े होते थे तो कोई ना कोई सीएम हाउस से कोई वफ्त आ जाता था सुनता था निगोशिएट करता था कोई आपकी डिमांड्स मानता था अब सिंपल वाटर कैनन और डंडो का जोर है तो मैंने कहा यार पांच घंटे प्रेस क्लब के सामने खड़े होने से बेहतर है कि मैं पांच घंटे हाईकोर्ट में गुजार लूँ ठीक है कम से कम कोई रिलीफ मिल जाएगा बट उसके अलावा अभी देखें मी रिटर्निंग टू प्रैक्टिस इज ऑल्सो मेरा एक फेथ है जुडिशरी को लेकर और मुझे अब भी लगता है कि सबसे लीस्ट कॉम्प्रोमाइज पिलर ऑफ स्टेट अगर कोई है hmm. तो वो जुडिशरी है hmm. क्योंकि उसके अंदर एक प्रोसेस है जहां पे हमने देखा है कि एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया है hmm. सोच में hmm. यानी कि ये या आजादी है फॉर द एप्पल टू फॉल फार फ्रॉम द ट्री आप कुछ भी कर लें मिलिट्री के अंदर भी जनरल चेंज होते रहते हैं hmm. बट उनकी वो एक पॉलिसी या नैरेटिव उसमें से चेंज hmm. नहीं होता वेर एज इन जुडिशरी एक नई वेव आती है और एक नया दौर आता है और एक नया रुझान आता है और एक टग ऑफ आर तो चल रही है ना बिटवीन द पिलर्स ऑफ स्टेट फिर लोग अपने भी इन्फ्लुएंस इन के जरिए उसके अंदर चीज़ों को लेकर आने की कोशिश करते हैं तो आई सिल बिलीव कि इट इज़ अ पिलर ऑफ स्टेट और हमारा सबसे बुनियादी कस्टोडियन ऑफ uh, कॉन्स्टिट्यूशन uh, जो है uh, वो है और दूसरा मेरी अगर जंग इंसानी हकूक को लेके है तो इंसानी हकूक के मायने तो उसकी वजाहत तो आपकी दालते ही कर सकती हैं आइन के तहत जो एक आइनी रोल है कि आईन की तशरी कौन करेगा इसका तर्जुमा कौन करेगा इसको एक ऑटोमेटेड बेसिस पे कौन इवॉल्व करता रहेगा वो जुडिशरी है तो अगर मैं किसी भी आज़ादी को लेके बोलता हूँ कि भाई ये तो मेरा आईनी हक है ये तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शामिल है ये जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ बतौर साफ़ी आज़ादी राय में शामिल होनी चाहिए या ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तजारत की आज़ादी में शामिल है या ये जो मैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में या अपने इतराफ के बारे में कोई शिकायत कर रहा हूँ चूंकि ये मेरा राइट टू लाइफ इफेक्ट कर रहा है ये इतनी वज़ाहत इतनी डिटेल आपको पार्लियमान ने किसी कानून में करके नसरली नहीं दी हुई मगर अदालतें जो हैं इस डेफिनेशन को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसको एक्सपैंड कर रही हैं तो ये आ, एक ब्लेसिंग है मेरे तरीके से कि मैं एक ऐसे तबके में पैदा हुआ जो कि तालीम अफोर्ड कर सकता है और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने वकालत की डिग्री की और मैं उससे ए, अपनी एक्टिविज्म को साथ लेते हुए जिस तरह मेरे हल्के हैं बल्के के अंदर आपको सियासत भी करनी होती है मसायल भी हल करने होते हैं तो मेरा लॉ ऑफिस वहाँ भी काम आता है जो कि लोगों के अक्सर थानों के साथ ही मसाइल होते हैं या की चीज़ें होती हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं हम वो आ, लोगों को मशवरा एड भी, भी फ्राह्म कर रहे हैं अच्छा इसमें दो डिफरेंट व्यूज हैं एक व्यू तो ये है कि बहुत से वकला आप जैसे हैं जो समझते हैं कि उनकी वकालत भी एक टूल है उन चीज़ों को एडवांस करने के लिए जो चेंजेस वो माशरे में देखना चाहते हैं लेकिन एक दूसरा तबका है जो समझता है कि जब आप एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप एक निज़ाम की लिटिमेसी को चैलेंज कर रहे होते हैं लेकिन जब आप उन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को कोर्ट में लेकर आ जाएं तो आप कहीं ना कहीं उसी ओवरऑचिंग स्ट्रक्चर को उसकी लिटिमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्योंकि कोर्ट्स का, का, का काम यही नहीं है कि वो स्टेटस को रेवोलूशनराइज करें उनका काम यह है कि वो स्टेटस को को मेन्टेन करें तो कहीं ना कहीं आपके जो ये पॉपुलर मूवमेंट्स होती हैं आप उनके गुबारे में से हवा निकाल देते हैं जब आप उनको कोर्ट्स में ले जाते हैं हम मैं तो किसी को लेके गय नहीं गया और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में सिर्फ इन दो तरह के लोग नहीं होते बतेरे लोग हैं माशरे के अंदर आप एक की राय का इजहार कर रहे हैं अच्छा दूसरी बात यह है कि जो निज़ाम को मान ही नहीं रहे उसकी लेटमेसी को चैलेंज कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको तो कोई अदालत में लेके नहीं गया ना वो खुद अदालत में जा रहे हैं और उनको तो अदालत में शायद इसलिए लेके जाया जाता है जब उन उनपे पर्चे होते हैं उनका नाम ई में डाला जाता है या उनको दहशत गर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है या उनको अदारे वतन डिक्लेयर कर दिया जाता है और ज्यादा रहने दलों अपनी पोटिकल मूवमेंट की लेके तो वो पार्लियमान में नहीं जा रहे अच्छा दूसरी बात यह है कि भाई मेरा तो मानना सिंपली ये है कि अब कितनी बार बनाना है पाकिस्तान नया पुराना जदीद कदीम ये करते रहे कितनी बार बना बन गया एक आइन है एक आइन जो है एक मिसाक है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पूरी आवाम का वाद फैसला जो पाकिस्तान के क्याम के बाद बल्कि पाकिस्तान का क्याम भी जो है वो झमूर का फैसला नहीं था वो वाइस रॉय का फैसला हुँ। था वाइस रॉय साइन नहीं करता तो एक जंग होती खून बहता फिर हम कह सकते थे ये तो आके नक्शा खींचा ना इसमें वोट डाला पिंड आवाम का हमें तो जब चौदह अगस्त का झंडा चढ़ा है हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब के कौन से जिले आए हैं और कौन से नहीं गए ये तो तीन चार महीने बाद पता कि अच्छा जी ये ये मसला है आज तक कश्मीर को लेकर हम बैठे हुए फटा कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं गुरदासपुर के बारे में बात भी पढ़ते हैं पाक किताबों के अंदर तो जो एक ही वाहिद कमिंग टूगेदर ऑफ द मासेज है वो आपका तिहत्तर का आइन है उस तिहत्तर के अब इस को आप कितनी बार इनवेंट करना चाहते हैं बजाय इसके कि उस प्रोसेस को आप इवॉल्व करते हुए अगर आप इस चीज फंडामेंटल चीज में बिलीव करते हैं कि हाँ जी ये हमारी रियासत है ये हम लोग हैं ये हमारे शहरी हैं और हम आइन की रूह से ही चीजों को बेहतर कर सकते हैं तो आपको अदालतों में आना पड़ेगा अगर आप इस सोच के हामी ही कि नहीं हम शायद कोई नई बॉर्डर खींचना चाहते हैं या कोई नई शनाख चाहते हैं या एक आ, नौसे जो है तो अगर दो लोग मुख्तल काम कर रहे हैं ये तो बहुत आसानी से बस समझ आनी चाहिए सवाल क्या है ठीक है मैं एक, एक सोच का हामिल हूँ मैं यूँ काम कर रहा हूँ वो दूसरी सोच के हामिल है वो वो काम कर रहे हैं मसला तब होता है अगर हम दोनों एक ही सोच के हामिल होते हैं और अलग अलग काम कर रहे होते हैं ठीक लेकिन इससे एक और सवाल ये बनता है कि आपने बात करी कि आज भी लगता ये है, कि कोर्ट है और हमारी मुल्क में जिस तरह का हमारे लिएडिशरी और और के फैसले रिमार्क्स मीडिया में आते हैं ये नहीं कि वहां पे सब इत में बैठने के बाद आए ठीक है अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की नजर आप आंखें बंद करें हम सारे मैं सबसे बड़ा चोर हूँ छोड़े ना बाकी मैं सबसे बड़ा गुनहगार गुनाकार आंखें तो बंद करे एक पल के लिए तो जहां आंखें खुली हैं लोगों की नजरें हैं आप हाईकोर्ट में जाए हर कमरा अदालत में चार रिपोर्टर -कोर्ट रिप बैठे हुए हैं हर चैनल के देख रहे हैं ना क्या हो रहा है एहसास तो नहीं है जुडिशी को कि वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसलिए क्यों है कि आपको इतने भोंडे भोंडे फैसले जो हैं क्रिमिनल जोरिस्पूडेंट में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ट्रायल कोर्ट में मिलते हैं विध रिजल्ट इन सी पी इज इन हाई कोर्ट ठीक लेकिन इसमें एक और सवाल ये बनता है कि बहुत से पाकिस्तान में आपको नजर आता है कि वजी कोर्ट यही है कि, कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस का हल सिर्फ ये है कि आप एक डैम बनाएं तो इस सुप्रीम कोर्ट से कुछ लोगों को बहुत सारी शिकायतें भी हैं फॉर एग्जाम्पल हमें नज़र आया कि हमें नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले सकता है किसी औरत के बाहर से अगर दो शराब की बोतलें मिले लेकिन सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं लेता अगर एक सहाफी को बीच इस्लामा से उठा लिया जाए देखिए दो अलग बातें होगी ना सो मोटो तो है कि क्या कर रहे हैं। मैं तो, तो उनको बता रहा हूँ आप जो कर रहे हैं, मुझे आप क्या करेंगे ये बताइए तो वैसे ही एक आपने पावर दी हुई है जो इंसान के मूड पर डिपेंड करती है मोटो की जुरुसूरस आज तक से वजाहत हुई नहीं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे ख्याल में वो लोग जब अपने आप को अपने इदारे से और जिस इदारे की वजह से देखिए आज अगर कहीं गुजरते हुए नजर आएंगे आपके चौधरी सखार साहब मैं उनको बाउंड तो नहीं हूं कहने के लिए हिज लॉर्डशिप अगर उनसे मैं बहस कर दूंगा तो कंटेंप्ट तो नहीं हो जाएगी या उनसे इजाज़त लेके तो उनके पास नहीं जाना पड़ेगा जिसना चेम्बर में नहीं जा सकते तो वो जो भी था वो उदा था और वो उदा जो भी था वो इदारा था कोई इंसान ये समझे कि मैं ही इदारा हूं और मैं ही उदा हूं और मैं ही सब कुछ हूं तो ये नहीं कि हम उसको ये जरासीम या की कह सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको फिरौन बना दिया बट जरासीम जो है ना ये उस तरफ की तरफ की लेके जाता है और जब जब ये लोगों ने फैसला किया है तो आज माशाल्लाह से आप मुझे बता दीजिए वोट करा लेते हैं ट्विटर पे करा लें या पब्लिक में करा लें लोगों की क्या राय है चौधरी शेखा साहब के बारे में और जो अभी भी उस रहा पर चलो निसार साहब के बारे में और जो अभी भी उस राह पे चल रहे हैं वो अगर इबरत नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं साल डेट का खेल है फिर आप भी आम अफरा में शुमार होंगे फिर आप भी मुंह छुपाते फिरेंगे फिर आप भी लोगों से घबराया करेंगे तो ये तो लोगों को खुद एहसास होना चाहिए और देखें इंडिविजुअल्स सब कॉमे पर बात कर देते हैं अगर उनको इतदार और इख्तियार दे दिया जाए तो एक इदारे से क्या चीज़ है और मैं कह रहा हूँ कि एक ग्लीस कॉम्प्रोमाइज इसलिए चूंकि हमारे यहाँ जो है ना मिलिट्री में तो आपको पता है कोई इंटरफेयर ही नहीं कर सकता और खबर है एटी है। नाइन का ए एस आई इीगल भर्ती अभी डी एस पी चल रहा था सिंध में ये कल तरीन साहब बिरसी के अंदर आप कहा से जाके हायरिंग्स निकालेंगे और ठीक करेंगे हर कोई कभी ना कभी किसी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो है वो पोलिटिकलाइजेशन का शिकार हुआ अच्छा फिर आप आ जाएं सियासी जमातों को लेके पार्लियामेंट की तरफ इलेक्टेबल्स इसका इलाज ओवरनाइट निकल सकता है जितना आपका कॉम्प्रोमाइज है जो खान साहब ने कहा था मेरी नौजवानों की पार्टी है तो नौजवानों की पार्टी कैसे बनी थी कि जितने नून लीग के उम्मीदवार थे जिस जिस इलाके में जो जो इलेक्टेबल उसी के चचाजात को ले आए और बोला जी पहली बार सियासत में आया है जबकि उसका पूरा खानदान सियासत में रह चुका है तो इस चीज को ये जो चीजें हैं ना ये आपको इधर जुडिश्री में नजर नहीं आती मेजोरिटी ऑफ ये सुपीरियर जुडिशरी

आप यहाँ पे अपनी पार्टी चीफ के खिलाफ कुछ बोलते हैं आपको शोक पार्टी से निकाल दिया जाता है ठीक है तो आ, अकबर इस बाबर की इजाज़त नहीं है मगर जुडिशरी में बाहर के जरिए हैजुदिन अहमद अगर अपनी पार्टी के खिलाफ कोई काम करे उसको निकाल दिया जाता है पार्टी हाँ। से अपनी ठीक ठीक अच्छा जबरान थोड़ी सी हम सियासत की बात करते हैं एक तनकीद आपके ऊपर ये होती है कि आप करते हैं हल्के की सियासत आप से पहले आप एन ए टू फोर्टी सेवन जो हो गए यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं आप एक नेशन वाइट कैंपेन नहीं चलाते लेकिन जब आप बात करते हैं आपके जो इशूज होते हैं आप फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इन की आप बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की जो कि अहम इशूज हैं लेकिन कुछ बड़े स्ट्रिक्टली लोकल इशूज हैं सो फॉर एग्जाम्पल हमें नजर आता है कि जबरान नासर शायद उतना एक्टिव उस वक्त नहीं हुआ जब आ, पी, पीपल्स पार्टी ने लसानी बुनियादों के ऊपर कराची में केमाड़ी के रिकॉर्ड के डिस्ट्रिक्ट बना दिया जबरान नासर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं गए जब कराची में सेंसस के जरिए आबादी को अंडर रिप्रेजेंट कर दिया गया दो और पोलिटिकल पार्टीज कराची की गई इसी तरह हमें फ़ॉर एग्जांपल ये नज़र नहीं आता कि जबरान सिर्फ कराची के अंदर लोकल बॉडीज़ के मसाइल के ऊपर उतना एक्टिव है जितना दीगर मसाइल के ऊपर एक्टिव है तो अगर मैं इन टू फोटी सेवन का एक शहरी हूँ तो जहाँ मुझे लगता है कि जबरान नासिर बहुत इस तरह के नेशनल इशूज़ रेज करता है कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं आपकी एबिलिटी को कि आप उस हल्के के लोगों को क्या दे सकते हैं तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे पहली बात तो ये है कि क्या ज़रूरी है कि मल्टीपल इटि हो अगर जमात इस्लामी और मूवमेंट ने एक फाइल तो कर दी है तो जरूरी है क्रेडिट मेरा होना चाहिए मैं पानामा के केस में शेख रशीद बनूंगा <laughs> ये आप यह आपकी शिकायत ये है की मैं पानामा का शेख रशीद क्यूँ नहीं हूँ नहीं मेरे फैसला हो गया था जहाँ पे होना था बट मैं भी वकील बन के जाऊंगा और इन परसों में रहूंगा आप जरा गिनना शुरू करें अपनी उंगलियों पे वो इश्यूज जहां शायद मैं अकेला ही खड़ा आपको नजर आऊं और पाकिस्तान की एक भी बड़ी सियासी जमात नजर नहीं आएगी और आप उन इश्यूज की बात कर रहे हैं जहां पे बड़ी बड़ी पाकिस्तान की जमातें खड़ी हैं वजाहत से खड़ी हुई हैं और मेरे खड़े या ना होने से वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हकीकी तौर इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना सियासत करने के लिए या इशूज को रेस करने के लिए मैं कराची से उठ के पारा चनार तक गया ठीक है जब वहां कोई नहीं जाने को तैयार था मगर अगर मेरे अपने इलाके के अंदर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ डीएचए जब पानी में डूबा हुआ था मैं क्यों काम कर रहा था क्योंकि मेरा एम एन एम पी काम नहीं कर रहा था मेरा एम एन एम पी वहां पे काम कर रहा होता जिनके पास जाति तौर पे भी पार्टी के तौर पे भी हुकूमती तौर पे भी वसाइल हैं मैं माँच पे आके उनको सपोर्ट करता हूँ सिंपल सी बात है और हमारे करंट एम को पता है

ये पूरा बिन कासिम पार्क मलिक रियासा फड़प गए होते रहे कराची हुँ। हुँ। के अंदर मुझे बताए किस फेक इनकाउंटर के खिलाफ किसने पिटिशन फाइल की हुई मेरी पार्टी के वर्कर के लिए तो हर कोई जाता है आम इंसान जो मिसिंग है उसके लिए कौन जाता है मुझे बता दीजिए एक पार्टी का नाम ले दीजिए जो मेरी पार्टी के वर्कर से हटके वो सत तो कराची की कर रहे हैं या अपनी पार्टी की कर रहे हैं हम तो अनजान लोगों के लिए जो मेरे वोटर नहीं है जो मुझे पता है कि ये तो मेरा हल्का भी नहीं है वोट क्या देंगे हुँ, हुँ, तो और मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं तो बड़ा अच्छा हूँ बहुत बुरे जिस फोकस अब ये देखिए आप, आपका कराची की आप बात करें ना कराची रफ सी के साथ दुबई नहीं हैल्फ नहीं है अक्सर लोग कहते हैं जी दुबई बनाएंगे बेवकूफो को ये नहीं पता की गल्फ नहीं है पानी ठहरा बनी है रफ्सि है हमारी एक ही नेचुरल प्रोटेक्शन है जो कि आपका मैंग्रूव है

या वो वफाक किसी और को देके कटवाए कराची में इतनी सी वाटर होगी ये अनबेरेबल हो जाएगा यहाँ पे रहना बर्बाद अंदर से सारी आपकी बुनियादें गल जाएंगी इतनी सी वाट इंट्रूजन होगी हम इन इश्यूज के ऊपर जा रहे हैं बट क्या हर इशू उस तरह से मीडिया में हाईलाइट होता है शायद नहीं होता हाँ ये अगर आप कह रहे हैं कि क्या जयरान आपको समझता है कि आपका काम और बेहतर होना चाहिए और वसी होना चाहिए और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए वो तो डेफिनेटली होना चाहिए मैंने कोई तीर नहीं मारा है अभी तक बहुत कुछ अचीव करना बाकी है एक हल्के से दूसरे हल्कों में जाना बाकी है आ, दस इशूज से सौ इशूज पे जाना बाकी है और उनको उसी इफेक्टिवनेस से एड्रेस करना बाकी है तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह है आ, बाकी बात में क्यों पूरे पाकिस्तान की करता हूँ और सियासत एक हल्के की क्यों करता हूँ जो कि बात करने के पैसे नहीं है सियासत जो है वो वक्त भी मांगती है और पैसा भी मांगती है और मैंने अगर जिस चीज़ की वजह से आपने मुझे अपने शो पे बुलाया ना एक मेरा तारुफ है उस तारुफ में अच्छी बुरी जो भी बातें हैं वो हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरा वो तारुफ बरकरार रहे और आपको अच्छा लगे कि आप अपने शो पे मुझे बुला लें हुँ। तो हुँ। मुझे हुँ। नहीं जाना शॉर्टकट की तरफ और मेरा सफर लंबा ही रहेगा और मुझे और सफर अगर उस सफर का अख्ताम किसी ऐसी मंजिल पे ना हो जिसको आप फुरफे में जीत कहते हैं वो इज मेरिड एम पी ए बन गए ही इज मेरिड ज्यादा मसलों में मुजाहरों में मैं खुला घूम रहा होता हूँ सिक्योरिटी के एम पी सिक्योरिटी के साथ नहीं, नहीं। आ सकता वो कपड़े फाड़ देंगे और लोग हम इतने बन गए <laughs> तो जरूरी नहीं कि वो मंजिल भी हमें मिले एज लॉन्ग एज यू थ्रू योर पॉडकास्ट आई थ्रू माई का कहते हैं वर्क कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द नेशनल पोलिटिकल डिस्कोर्स मेरे ख्याल में काम हो रहा है ठीक अच्छा जिबरान आपके मैनिफेस्टो के अंदर पिछले अठारह वाले इलेक्शन तो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और वो ये था कि वी नीड टू ब्रिंग एन एंड टू स्टेट पेट्रोनेज ऑफ डिस्सिव आइडियोलॉजीज और 2018 के इलेक्शन से पहले हमने देखा कि एक चंद इदारों में एक ये सोच नजर आई कि हमने ये जो डिवेसि आइडियोलॉजीज़ हैं और ये पोलिटिकल पार्टीज हैं इनको मेन स्ट्रीम में, में लेकर आना है और उनका आर्गूमेंट ये था कि जब आप इनको मेन स्ट्रीम में, में लेकर आएंगे तो इनके व्यूज सॉफ्टन हो जाएंगे लेकिन हमने देखा ये कि जब ये लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आए तो इनके तो व्यूज सॉफ्टन नहीं हुए लेकिन जो हमारी मेजर पोलिटिकल थी यानी टी ने तो हमें एक इकोनॉमी के ऊपर एक गवर्नेंस के ऊपर बात नहीं की लेकिन इमरान खान को टी एल का साथ देना पड़ा ताकि वो पंजाब में इलेक्शंस जीत सके या वोट्स हासिल कर सके और हमने देखा कि जबरान नासिर भी जब पंजाब कॉलोनी के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहा था तो उसको भी लोगों ने घेरा और कहा कि नहीं आप अहमदियों को बुरा कहें आप इनको गाली दें फिर हम जो है आपको किसी बात को सुनेंगे सो so, ये जो एक पोलराइजेशन पहले भी थी हमारी सियासत के अंदर लेकिन जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इसको आप किस तरह देखते हैं एंड डू यू थिंक अब ये इेपरेबल डैमेज हो गया इस मेन स्ट्रीमिंग की वजह से इन आइडियोलॉजीज़ की देखिए अगर हमने इन जमातों को अब मेन स्ट्रीम करना है तो सिपा सहाबा के अरकान पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत की सूबाई काबीना में क्या कर रहे थे अगर अब हमें इन्हें मेन स्ट्रीम करना है तो अस्सी की दहाई में हम ये सारे आउटफिट्स बना के और ट्रेनिंग करवा के क्या करते रहे अगर अब हमें इनको मेन स्ट्रीम करना है तो आज़म तारे को जेल से निकलवा के जफ्फरल्ला जमाली की हुकूमत इनलाइट एंड के बानी पर मुशरफ बना रहे थे तो उस वक़्त वो क्या कर रहे थे अगर अब हमें इन्हें मेन स्ट्रीम करना है तो भक्कड़ में इलेक्शन जीतने के लिए शबाज़ शरीफ ख़ुद उठ के सपा साहबा के पास क्यों गए थे अगर अब हमें इनको मेन स्ट्रीम करना है तो 2013 के अंदर 40 सिटिंग एमएनए जो जीत के इलेक्शन आए वो सपा साहबा से अलायंस क्यों कर रहे थे तो मेन स्ट्रीम से क्या मुराद मुरादे वजीर अजम बना देस तो साल से ये कौन कहता है कि जी साइड में है और अक्सर जो तो बात करते हैं ना कि वो वो इनका वोट बैंक बहुत कम है अरे भाई वो कब वोट बैंक के ऊपर अपनी सियासत करते हैं वो जिस चीज पे सियासत करते हैं उसके लिए उनकी तादाद बहुत है उड़ा देने पे धमका देने पे मार देने पे जला देने पे गिरा देने पे उसके लिए उनकी तादाद बहुत है वही उनकी न्यूसेंस वैल्यू है अच्छा दूसरी बात एक इंसान को आप कह रहे हैं कि भाई आप पार्लियामेंट में आ जाए तो क्यों पार्लियामेंट में आ जाए आप बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं अच्छा मेरा शोर आ रहा है आप तक बिल्कुल आ रहा है यानी कि मैं जो कर रहा हूँ कुछ सही कर रहा हूँ तो मैं पार्लियामेंट में आके चेंज क्यों हो जाऊंगा मेरा तो पार्लियामेंट में आने का जवाब ही बनाया जा रहा है कि जो आप पार्लियामेंट से बाहर कर रहे थे वो कागज बर्दाश्त नहीं रहा के, I've made it. <laughs> वाली बात है इसी कोई लॉजिक नहीं है मंतक नहीं है आ, आप ये समझ लीजिए कि बस कुछ कुछ मजबूरियां हैं कुछ मजबूरियां हैं वरना इसीलिए आपको बकायदा ताज पोशी की रशम नजर नहीं आती इस बादशाहों की होती है वरना है वही निज़ाम यहाँ पे बादशाह सलामत सुबह उठते हैं और कह देते हैं कि जी आज हमें मुल्क को अंदर से ठीक करना है वही बात कोई और करे तो मसला पैदा हो जाता है ठीक अरे जिबरान आपको याद होगा 2013 के इलेक्शंस के दौरान एक आप एक घर में एक बस इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन मीटिंग थी तो एक बड़े हमारे प्रामनेंट सिंगर हैं वो खड़े होते तो हैं उन्होंने कहा कि जिबरान आप तो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप तो एमकेएम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इलेक्शन लड़के और मैं आपको कहूँगा कि आप विद्रॉ कर जाए आप पीपल्स पार्टी पी को सपोर्ट करें क्योंकि जब वो जीतेगी तो बड़ा मुल्क के अंदर चेंज आ जाएगा सो so, अब पीटीआई हुकूमत के अंदर है ढाई पौने तीन साल हो गए हैं पीटीआई को कराची ने भी पीटीआई को मेजोरिटी दे दी एमकेएम की चार सीटें रह गई कराची के अंदर और हम रोज सुनते हैं कि अब खान साहब ने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया और अब बस तीन चार महीने में आप हैंडल जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है <laughs> <laughs> ये सवाल तो आप उनसे करें जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था ना देखिए मैं उस वक्त उनको भी ब्लेम नहीं करता आ, किसी को अगर किसी चीज में उम्मीद करी नजर आ रही थी तो उसको करना चाह रहा है और का उस वक्त कोई व्यू था तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है और अगर वो व्यू इसलिए था और इतना वो पक्का हुआ हुआ था क्योंकि एक डेस्परेशन थी कराची में गैंग वॉर कत्लो छीना झपटी मारा मारी रोज आठ दस लाशें गिर जाना तो उस सिनेरियो उस के अंदर अगर कोई इस तरह से बात कर रहा था अपने जजाक का जार कर रहा था तो उसको आप समझ सकते हैं उसको आप कर सकते हैं जिस चीज को आप नहीं कर सकते कि जिन साहब ने सारे वादे किए थे जो हुकूमत में आ गए हैं और अभी तक पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं मगर देखिए ना हमारे यहाँ मसला क्या है कि शख्सियत परस्ती है ठीक है तो एक कॉन्सेप्ट है जिंदा पीर ठीक है मगर एक तो जिंदा पीर वो है ना जो कि जिसमानी तौर पर नहीं मगर है हुँ, हुँ. ये तो हर तरीके से जिंदा पीर है जितने भी भुट्टो शरीफ खान साहब अलताफ़ भाई हुँ. सारे जिंदा पीर हैं अल्ताफ भाई को तो कहते भी थे टाइम पे भाई पीर साहब पीर साहब पीर साहब लोग शिफा के लिए आते थे उनके पास शख्सियत परस्ती है जब शख्सियत परस्ती होती है तो वो जो भी करते हैं वो अच्छा होता है और वो कोई भी अगर कोई तनकीद हो रही है तो इसलिए हो रही जो कि आप उनकी बात समझ नहीं रहे हुँ, हुँ, और अगर उनके हाथ से कतल भी हो जाए तो दिल में तो उनकी नमाज पढ़ने की नीयत थी उस पर गौर करें ठीक है हु, तो ये मामला होते हैं और आ, आ, हम उस तरफ और शायद ये हमारा वैसे ही रिलीजस और कल्चरल ट्रेडिशन में रहा है ये वलियों और वलियाओं की है तो हम एक तरीके से एक एक बड़ा हम रिकनसाइल इजिली कर लेते हैं मुरीद बन जाना ना किसी के ये हम कर लेते हैं मगर कम से कम यार इतना तो दिमाग इस्तेमाल करें ना कि किसके लिए बन रहे हैं और किसके बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं आप जाए किसी की मुरीदी में आपने जाना है मगर कम हुँ, हुँ, से कम कोई मुर्शिद का मुर्शिद होने का पैमाना तो हो यहाँ तो कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता यहां जो आपकी कमजोरी को एक्सप्लॉयट करे लसानी बुनियादों पर सियासत होती है ना आपकी शनाख्त को आपका इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स बना के एक्सप्इट किया जाता है एथनिक बेसिस पे जब होती है सियासत जेंडर बेसिस पे जब होती है सियासत रिलीज़स बेसिस पे जब होती है सियासत आपकी आइडेंटिटी को उठाया जाता है आपकी शनात को उसी से आपको उसी शनाख्त की बेसिस पे आपके अंदर एक अंदरिटी कॉम्प्लेक्स पुटन किया जाता है और बोला जाता है कि जी दवा मेरे पास है तो मिश्राम उसको लेके चल रहे हैं और अगर हम आपसे कहें कि आप रेड करें या आप जज करें पी टी आई की परफॉर्मेंस कब तक की तीन साल की तो आप किस तरह करेंगे क्यों पाँच साल की की में काफ़ी नहीं थी उस पांच साल के बाद ही लोगों ने भाई देखिए ना खान साहब क्या कहते हैं कि तर्मीम ने को डिक्टेटर बनाया। तो यानि दो, से दो तक खाटक डिक्टेटर थे और मेरे ख्याल में मेरे पास कोई खास इल्म नहीं है बांटने को कि अगर आप मुझसे पूछें कि इन तीन साल पे कोई तबसरा करें जो है वो कौम के सामने है जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहते वो आपका मेरा ये इंटरव्यू सुन के भी नहीं देखेंगे तो उस उसपे तबसरा करने का क्या फायदा है देखिए अगर महंगाई है तो मेरे बताने से तो आपको महसूस नहीं होगी ना आप नहीं। नहीं। भी दूध देने दुकान जाते हैं डबल रोटी लेने जाते हैं पेट्रोल का मसला अगर है तो वो भी आपके पास है बिजली महंगी हो रही है तो वो भी आपके पास है अगर कोई लाकानूनीत है तो वापस आपके पास है कोई इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है तो वो भी आपके पास है कोरोना की पे सारी चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं फिर भी आप मेरे तब्सर का इंतजार कर रहे हैं अच्छा ये तो वही तो और... बात होगी कि सारे गए हुए थे कोर्ट में आप क्यों नहीं गए अच्छा <laughs> एक बार यहाँ हाँ। सवाल है कि मैं नजर आए आप इसकी पिटीशन भी लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट के जो आईजी सिंध के किडनैपिंग का एक मामला हुआ था आई थिंक वो उससे पहले आईजी के ट्रांसफर का मुझे बताएं सिंध तो? पुलिस को तहस नहस बर्बाद कर दिया पीपल्स पार्टी ने कौन गया अदालत को पार्टी गई हैं नहीं गई ना हम चले गए अच्छा अब ये अब हम चले गए वो नहीं आए इससे बेहतर है कि अगर हम चले गए तो वो पार्टी और हमें नजर आता है कि जो सिविल इधारे हैं लंगड़े जैसे भी इदारे हैं उनको भी उस तरह फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा और उनके अंदर भी काफी इंटरफेरेंस है दीगर इदारों की जानब से सो इसको अगर आप फॉर एग्जाम्पल एज ए पोलिटिकल ऑब्जर्वर एज ए पोलिटिकल कॉमेंटेटर अगर हमने इसको किसी तरह से खत्म करना है तो उसका क्या आपके ख्याल में क्या डायरेक्शन हो सकती है

नहीं, एक इंसान अपनी नहीं, नहीं इंसान नहीं की होती है ना कि ज़िंदगी पानी, पानी में इतनी मुझे, मुझे बीस गालियां निकालो दस के बजाय ठीक है और अगर आपको मेरी कोई तारीफ करना अच्छा लगता है मेरी तारीफ कर लीजिए भाई सात अरब की दुनिया है बाईस करोड़ का पाकिस्तान है हम क्या करते हैं और क्या बेचते हैं किसको क्या फर्क पड़ता है हम अपनी कैपेसिटी में जो कर रहे हैं अपने कल भी सुकून के लिए कर रहे हैं कि कि रात को हमें आराम से नींद आ जाए जा जा। अल्लाह ने ये ये दी थी दिए थे हमारे ऐतराफ हमारे कहते हैं में ये था हमने ये इतना कर दिया अब उसके ऊपर लोग क्या राय कायम करेंगे तो वो तो फिर जिंदगी भी उसी एम से गुजारनी पड़ेगी ना जो कि सोचते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद करेंगे वो फिर जिंदगी भी उसी खौरी में लगा देते हैं अपनी इम्प्रेशन बिल्डिंग में सभी पसंद करें और सभी को अच्छा लगे और इस तरह के माशा से आपको अदाकार के, बड़े नजर आएंगे सियासी जिंदगी में भी जो इसी में लगे हुए होते हैं हमारा काम है अपनी जमीर को क्योंकि भाई कब्र में भी मैंने अपनी जाना है और रात हुँ। हुँ। को भी मैं अपने अकेले ही सोचा हूँ दिमाग को लेकर ख्याल को लेकर तो दैट इज इट इस बारे में थोड़ी आप परेशान होते हैं कि आपको कौन कैसे याद रखेगा और हर इंसान तो सिकंदर आजम नहीं है ना कि उसको मरने के हजार साल बाद भी याद रखा जाएगा अच्छा एक सवाल जो आपसे बड़ी सारे और भी इंटरव्यूज में होता है कि अब आपकी शादी हो रही है तो उसके बाद डज दैट चेंज हाउ यू वर्क बिकॉज पहले बन ये सिंगल आपकी इस तरह की कंसिड्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचा दिया जाए आपको होता है कि अगर नुकसान पहुँचा भी दिया गया तो मुझे सिर्फ मुझे मेरी ज़ात को नुकसान होगा बट यू हैव अ फैमिली यू थिंक अच्छा अगर मुझे नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर भी असरअंदाज होगा सो हैज़ दैट चेंज योर वे ऑफ अप्रोचिंग यू वर्क नहीं भाई मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने किसी को खतरे में नहीं डाला मेरे इतराफ के तमाम लोग समझदार हैं उन्होंने जिंदगी के फैसले अपनी मजबूत से किए हैं वो अपने आप को खतरे में डालेंगे <laughs> ये सवाल भी थोड़ा अजीब है ना कि आपने उनको खतरे में डाल दिया आपने उसकी दूसरी की एजेंसी को बिल्कुल खत्म कर दिया वो बात वही नहीं है देखिए मैं जो करता हूँ या वो जो करती है उनकी जो फील्ड है उनका जो काम है मैं उससे वाकिफ हूँ उसकी जो डिमांड है उसका जो प्रोसेस है वो कभी लोकेशन हो या कभी कैरेक्टर हो या डिफरेंट चीजें हों और आपको पता है कि मीडिया भी चूंकि इतना लाइमलाइट में और प्राइमरी चीज का काम ही है लाइमलाइट में रहना तो वो कंट्रोवर्सी भी बहुत इनवाइट करता है मुझे सब उसका प्रोस कौन सब पता है पहले से अच्छा मैं उसकी इज्जत करता हूँ उस काम की और मंशा वो काम करती है तो मंशा की भी इज्जत करता हूँ रिस्पेक्ट देता हूँ कि भाई एक चीज़ है इसको इस तरह से किया जाता है ना इसी तरीके से वो भी अगर आ, मेरे साथ है तो मेरी इज्जत करती है मेरे काम की और मेरे नज़रिए की तो ये किसी से कुछ छुपा के तो बात नहीं हुई कोई उनको तो पता ही नहीं था कि हम क्या करते हैं और तो शादी के बाद ओ माय गॉड मैं काम हो गई या अदरवाइज वाइस परसा कर लें मेरे ख्याल में अगर मैं कभी उनके करियर चॉइसेस को लेके या जिंदगी के इस तरह के फैसलों को लेके शिकायत करूंगा हुँ. तो मैं बेकूफूंगा और झूठ बोल रहा लोगों से कि जी ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हुँ. और अगर वो करेंगे तो उनको ही पता है कि वो एक लोगों को बेवकूफी की बात लगेगी अच्छी बात जो है वो ये करने की है दैट आई वॉज एबल टू फाइंड समबडी इन माई लाइफ हु रिस्पेक्ट्स वट आई डू हु सपोर्ट्स आई डू एंड हु अ एडिशन टू माई लाइफ

<laughs> एक क्या कहते हैं ना वो ठीक <laughs> है वो वैसे ही तो वो, आपने कर कि वो है है नहीं का कहते हैं देखिए वो भी जो ना नहीं लेना चाहिए <laughs> ना कि आपने इंश्योर <laughs> कर लिया तो आप रोज सफर का इम्तिहान भी इंसान को खुद भी इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को तो और उसने भी जो है and not that judgmental but allowing you the room to grow and improve hmm. so zindagi aasan hoti to i am good to in, in terms of my family in terms of my loved ones in terms of my life partner to find such people okay thank you jibran hamare sath maujood the aaj jibran Nasir. humne baat ki siyasat pe wakalat pe inki zaati zindagi ke upar jibran ko humne sunday इनकी आज घर पे काम भी चल रहा था, renovation चल रही थी. so thank you for making time for us jibran it was a pleasure having you thank, thank, thank you, you. you.